मैं एक सर्टिफाइड सेक्सुअलिटी कोच हूँ, लेकिन कुछ सालों पहले मैं एक नॉर्मल जॉब में थी और मेरी शादी हो चुकी थी और वो शादी सेक्सलेस मैरिज थी। जी, मैरिज तो हमने सुना है, सेक्सलेस मैरिज क्या होता है? देखिए, हमारे समाज में जहाँ पे कि मैरिज को एक तरह का लाइसेंस माना जाता है कि ये हम एक सेक्स करने का लाइसेंस है, क्योंकि आप लीगली अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं, आप मैरिड हैं तो आप सेक्स कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अचंभे की बात है कि एक मैरिज का सेक्सलेस हो जाना। मैं भी इस दौर से गुजरी थी और मैं एक 5 साल की सेक्सलेस मैरिज में थी, लेकिन इस चीज़ को मैंने अपने अंदर नॉर्मलाइज कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोशल कंडीशनिंग थी कि सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही गलत, मैं कहूँगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्स मैरिज में सेक्स का रोल नहीं है। सेक्स मैरिज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक पति पत्नी के बीच के जो संबंध है उसको प्रगाढ़ करता है, उनको नज़दीक लाता है, प्लेजर क्रिएट करता है। आप अपनी फाइट के बाद एक प्यारे से लव मेकिंग के साथ मेकअप कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को हर उस रिश्ते से एक अलग दिखाता है कि आपके रिश्ते का एक डिफरेंशिएटर है, वो सेक्स है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि क्यों शादियाँ सेक्सलेस हो जाती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि क्योंकि कोई बात नहीं करता तो इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। रिश्ते में खटास आई, रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट सेक्स पर पड़ता है। चाहे किसी तरह का टेंशन है, किसी तरह का स्ट्रेस है, तो हमारी सेक्स लाइफ पे असर पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और अगर हमारे पार्टनर से हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं तो वो इंटीमेसी दूरी में बदल जाती है। लेकिन क्योंकि हम खुलकर बात नहीं कर सकते तो हम अपने मन को महसूस कर रह जाते हैं, हम किसी को जाहिर नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसी कई सारी कहानियाँ आती हैं, कई सारी स्टोरीज़ आती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और वो यही कहते हैं कि हमारे एक पार्टनर की सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन हम वो चीज़ चाहते हैं, हम वो प्लेजर चाहते हैं, और हम शादी से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम अपनी शादी के लिए कमिटेड हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हमारा पार्टनर इस चीज़ को एक मजाक समझ कर रहता है, क्योंकि हमें यही लगता है कि सेक्स जो है वो बहुत फ्रिवलस है। सेक्स का मतलब कि लस्ट है, या सेक्स का मतलब कामुकता है, सेक्स प्रेम हो सकता है, सेक्स इंटीमेसी हो सकती है, सेक्स एक ज़रूरत हो सकती है। इस बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता और ना ही हम बात करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हमें जज कर दिया जाएगा। तो ये जो सेक्सलेस कपल्स हैं, जिनमें से एक जो पार्टनर है जिसकी सेक्स में इच्छा है और एक पार्टनर की सेक्स में इच्छा नहीं है, ये इनके पास कोई स्रोत नहीं है जहाँ पे ये जाकर मदद मांग सके या अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सके, क्योंकि ये बहुत ही निजी बात होती है। आप अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात नहीं कर पाते। आज का हमारा सोसाइटी और हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है। मेरे पास एक कहानी आई थी जिसमें एक महिला है जो कि एक 10 साल की मैरिज है और उनका कोई बच्चा नहीं है, और ऐसा है कि उनको एक बच्चा भी चाहिए तो पति है वो कह रहे हैं कि आप जाके IVF ट्रीटमेंट करवा लीजिए और उसके थ्रू आप प्रेग्नेंट हो जाइए, लेकिन हमारे बीच कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। और वो महिला बहुत ही आक्रांत थी, वो बहुत ही एजिटेटेड थी और बहुत ही दुखी थी कि मैं ये नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ मेरा रिलेशनशिप बने। तो ये जो इग्नोरेंस, स्टिग्मा, टैबू है सेक्स को लेकर, इससे ये होता है कि हम ट्रीटमेंट के लिए या काउंसलिंग के लिए भी आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें लगता है ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, सेक्सलेस मैरिज बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं। लेकिन सेक्सलेस मैरिज के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहला, अगर आपका पार्टनर सेक्सलेस मैरिज में है और वो उसकी एक स्वाभाविक और एक जेन्युइन नीड है सेक्सुअल इंटीमेसी की, और कहीं ना कहीं वो उससे डिप्राइव्ड है, वो कल को एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार हैं? चाहे आप पति हों या चाहे आप पत्नी हों, क्या आप तैयार हैं उस स्थिति के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज में ऐसा हो? क्योंकि चीटिंग के इंसिडेंट्स सेक्सलेस मैरिज में कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि इमोशनल डिवोर्स, इमोशनल डिस्टेंसिंग,
जैसे कि आप लोग साथ में तो रह रहे हैं पर आप लोग एक रूममेट की तरह रह रहे हैं, वो इंटीमेसी नहीं है। आप पॉपकॉर्न तो खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स तो देख रहे हैं, पर फ्लर्टिंग, सेंशुअलिटी, हंसी मजाक, एक थोड़ा सा, एक कहते हैं आकर्षण, केमिस्ट्री, स्पार्क, वो ठंडा पड़ जाता है। तो सेक्स जो है वो उस स्पार्क को मेंटेन करने में बहुत ही उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी चीज़ कि आपका रिलेशनशिप टोटली पेरेंटिफाई हो जाता है, मतलब कि आप पेरेंट्स बन जाते हैं, कपल्स नहीं रह जाते। तो बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, बच्चों को लेकर छोटी छोटी चीज़ें, आप दोनों के बीच जो पहला बॉन्ड है वो पेरेंट का बन जाता है। लेकिन आप एक कपल हैं, क्या आप रात को अपना दरवाज़ा बंद करके सोते हैं? क्या आपके बीच वो प्रिवेसी है? क्या आपके बीच वो इंटीमेट पल हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है एक रिश्ते के लिए। तो इन बातों पे ज़रूर गौर करें, सेक्सलेस मैरिज को नॉर्मलाइज ना करें। सेक्स मैरिज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इस चीज़ को समझें, कहीं देर ना हो जाए। तो आज ही एक काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो डू नॉट नॉर्मलाइज सेक्सलेस मैरिजेस। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज़ बाय अस।